नमस्कार दोस्तों, एम स्कूल में आप लोगों को फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अभिमन्यु और आप देख रहे हैं एम स्कूल। अगर आपने मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन है उसको दबाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद देखिए घंटी आया, वो घंटी दब अगर आप ऑल नोटिफिकेशन कर लेंगे तो मेरा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। तो मेरा जो चैनल में मैं डालता हूँ कोकोनट ट्री लीफ से बना हुआ फ्लावर और डेट ट्री लीफ से बना हुआ फ्लावर, अब मैं थोड़ा और चेंज करूँगा। मैं कुछ पेपर आर्ट और कुछ रिबन आर्ट और भी तरह तरह के आर्ट होता है उस तरह से मैं मिक्स करके डालने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो का अंत तक देखना ज़रूर, और बहुत अच्छा लगा तो एक लाइक करना, और कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो मेरे कमेंट में आकर एक कमेंट कर देना। और बहुत अच्छा लगा तो आप फैमिली के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव के साथ, किसी भी के साथ मेरा वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक तो इस तरह के कुछ सीट ले लेना है आप लोगों को, देख सकते हैं कुछ इस तरह के, और आप किसी भी सीट से कर सकते हैं लोटस बनाने के लिए। तो इस तरह से कुछ सीट लेकर आपको क्या करना है हम दिखाते हैं। किधर से भी आप ये देखिए, ये आपको पूरे एक्यूरेट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो स्क्वायर बनाने के लिए किधर से भी आप कोना से पकड़े और इसको इस तरफ इन तरफ लेकर रहना है, और इसका जो देखें पूरे सही से बीच में से निकलना है, ठीक है। देख सकते हैं आप, और इसको और थोड़ा जाएगा, और इसको इस तरह से रखना है, और इधर आप उंगली की मदद से सही कर देना है, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। और इस तरह से ये जो ज़्यादा हिस्सा है इसको कैंची की मदद से हम कट कर लेंगे। पहले इधर से एक और मोड़ देती हूँ, तो अच्छे से स्क्वायर हो जाएगा। ये गया और ये गया, और इसको ज़्यादा हिस्सों को कट कर दे, ज़्यादा हिस्सा कट कर देता हूँ, इस तरह से कट हो गया, देख पा रहे हैं आप। अब इस तरह से देखिए पूरा स्क्वायर बन गया, ठीक है। और इधर से जो किया है इधर से भी एक और कर लेंगे, देख सकते हैं, एक इधर से और एक उधर से। अब क्या करना है, इसको इस तरह से पकड़ना है दोनों को, और इसको पास इस तरह से लेकर आना है। अब अच्छे से हो जाएगा। और एक तरीका है, इसको इधर से एक मोड़ लीजिए, और उठाइए, और इसको इधर से भी एक मोड़ लेना है, देखिए तो करीब इस तरह से हो जाएगा। अब दोनों तरफ को पकड़ना है और इसको बीच में लेकर आना है। तो दोनों को पकड़ा और इस दोनों को पकड़ा, दोनों को और बीच में लेकर आना है इस तरह से, देखिए इस तरह से। अब इस दोनों को इधर पकड़िए, इस दोनों को इधर, और इसको देख सकते हैं, और इसको इस तरह से, और दोनों को सही से इस दोनों को मिलाइए, और जो इस दोनों देखिए ज़्यादा नहीं और बड़ा छोटा नहीं, और इधर मोड़िए, हो गया इधर, और इधर भी वही चीज़ करना है, इस दोनों को एक साथ पकड़ना है, और ये हो गया इस तरह से। अब देख सकते हैं ये इस तरह से हो जाएगा। अब इस तरह से हो जाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इधर किधर से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के हो जाने के बाद आपको
जो बीच में दिख रहा है इसको इस तरफ देख पा रहे हैं, ये होगा इस तरह से। अब इसका बारी है, इसको भी वही चीज करीब इधर हो गया, इधर हो गया। अब इस तरह से ऊपर की तरफ लेकर जाना है और इधर भी वही चीज करना है, देख सकते हैं। अब इसको उलट दीजिए पीछे की तरफ इस तरफ, और जो उधर किया इधर भी उसके साथ साथ मिलाकर कर लेना है करीब इस तरह से, और इसको भी कर लेना है वही मेथड का यूज करके इस तरह से, ठीक है, हो गया। आप इस दोनों को पकड़कर इधर लेकर आना है, इस दोनों को पकड़कर इधर, देखिए इस तरह से था, इस दोनों को इधर लेकर आया, इस दोनों को इधर, आप देख सकते हैं। अब इस तरह से हो जाना, पूरा स्क्वायर हो गया। आपका मुंडी इधर की तरफ है, देख सकते हैं, इधर ऊपर खुला है, और इसको उसको ऊपर की तरफ रखना है और इसको नीचे की तरफ। ये हो जाने के बाद ये जो बीच में देख रहे हैं आप, ये बीच में देख रहे हैं, अब इस तरह से हो जाने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ इस तरह से काट जाए। आपको इधर लेकर इसको देखिए, बीच में जो ये जो दाग है इस तरफ लेकर आना है, तो इसको इस तरह से पकड़ कर इसके साथ इस तरह से किया, और इसको भी ठीक, इसको भी इसी दाग पर मिलाकर आपको इसके साथ भी वही चीज़ करना है। देखिए स्टेज हो गया, देख सकते हैं आप किस तरह से हो जाने के बाद इस तरह से इधर उलट उलट देंगे, वही सेम मेथड का यूज करेंगे इधर भी, उतना देखा देख सकते हैं, और इधर भी वही चीज़, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भी खुला हुआ है और ये भी खुला हुआ है। अब जो बड़ा है एक को एक के अंदर अंदर डालना है। अब किसी को भी किधर से, ये देखें ये छेद बना है, इधर अंदर डाल दीजिए, ठीक है। अब इधर भी वही चीज़ एक को एक के अंदर डालना है। आप किधर से भी डाल सकते हैं, एक को इसको इसके अंदर डाल देना है करीब इस तरह से। अब देखिए देख पा रहे हैं, अब इस तरह से डाल देने के बाद इधर जो छेद दिख रहा है इधर फूंक मारना है, नहीं तो आप किसी भी और की चीज़ से, एक वैसे तो मैं फूंक मार लेती हूँ, तो इधर देखिए फूंक मार दिया हमने और ये इस तरह से उभर आएगा, ये देखिए पिरामिड जैसा। इधर आप छेद में फूंक मारेंगे तो फूल जाएगा इस तरह से। आप इसको जो इस ये है इसको इस तरह से खोलना है, और इसको इधर से भी इस तरह से खोलना है, और इसको इधर से और इधर से खोल सकते हैं, और ये आपका बन गया लोटस, देख पा रहे हैं आप। अब इधर एक स्टिक लगा दीजिए, मैं लगा के दिखाती हूँ। अब इस तरह से कुछ बना लेना है और इसमें जो छेद है इधर इधर डाल देना है, और ये इस तरह से बन जाएगा। आप देख सकते हैं लोटस बना दिया, तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक देखते रहिए एम स्कूल। ओके बाय बाय।